जी तो अस्सलाम वालेकुम। सीन्स कुछ ऐसे हैं कि ईद का दिन तो कल था, लेकिन कल का व्लॉग भी मैं आज ही शूट कर रहा हूँ क्योंकि कल काफ़ी मैं बिज़ी था और कल के हिस्से के सिर्फ मैंने सिनेमेटिक शूट्स ही लिए हैं, ज़्यादा शूट नहीं कर सका। ईद का दिन था, गांव जाना था और गांव में जाके ईद करनी थी, तो इसलिए मैं नहीं चाहता था कि मैं वहाँ जाके सबके सामने कैमरा लेके घूमूं फिरूं, कैमरे के सामने बातें करूं और वो लोग मुझे कहें कि बस एक लड़का शहर से आया है कैमरे के सामने बातें करता है, पता नहीं बावला सा। और अपनी इज्जत अपने हाथों होती है, तो सीन्स तो नॉर्मल थे यार, बस सुबह उठ के नमाज़ पढ़ी, बारिश आ रही थी बाहर तो इसलिए नमाज़ मैंने घर में ही पढ़ी। और उसके बाद मैं चला गया ऊपर, एज रूटीन वीडियो बनाई छत पे जाके मैंने व्लॉगिंग के लिए कि कहाँ जा रहा हूँ मैं, आज ईद का दिन है और आगे क्या होगा, बस यही सब कुछ। उसके बाद गांव चले गए, गांव में 7:30 बजे ईद थी तो ऑलमोस्ट 6:30 बजे चले गए हम, 10-15 मिनट्स में पहुँच गए। वहाँ जाके वज़ू किया और कपड़े चेंज किए और फिर हाँ जी, तो ईद की नमाज़ पढ़ के सबसे गले मिला। उसके बाद मैंने अपने कज़न को दिया और दादी अम्मी के पास चला गया कब्रिस्तान में, उनकी ऑलमोस्ट 4-5 महीने पहले डेथ हो गई थी, तो हमारी पहली ईद थी उनके बगैर। घर काफ़ी खाली खाली लग रहा था, बस ऐसे सुनसान सा, उनके पास गए कब्रिस्तान में और उनके लिए फातिहा खानी थी। तो वापिस आके खाने वगैरह का इंतज़ाम देखा, हमारी फैमिली काफ़ी बड़ी है तो इसलिए बड़े गोश्त की देग बनाई और फिर ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे में वो रेडी हो गई, तो फिर हमने खाना खाया। ईद तो बच्चों की होती है यार, बड़ों का तो बस ऐसे ही नाम ही होता है, और ख़ुसूसन उस वक्त जब फैमिली में भी आपके साथ कोई दोस्त या कज़न ना हो, बस एक आधी, और फैमिली में रिस्ट्रिक्शन इतनी ज़्यादा हो कि आप फैमिली से बाहर भी नहीं जा सकते क्योंकि बस अलाउ नहीं होता, फिर घर में ही ईद हमने इंजॉय की बच्चों के साथ। उसके बाद सो गया मैं, सो के उठ के नॉर्मल रूटीन के साथ नमाज़ पढ़ी और फिर वापस आया। तो मैंने भी जाके आइसक्रीम खाई वहाँ से सबसे पहले, उसके बाद मैंने अपने लिए स्पिन रोल लिए और घर वापस आ गया। घर आके स्पिन रोल खाए और बस उसके बाद व्लॉग एडिट किया और सो गया, बस इतने ही रूटीन थी। तो मिलते हैं फिर रिलैक्स व्लॉग में, बाय बाय।